अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। तो ये व्लॉग है 13 अगस्त का। मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। अकीक़े का दिन था ये। 7 दिन में अकीक़ा करते हैं ना सुन्नत तरीक़े से। तो कुछ क्लिप्स ली थी मैं सुबह से, तो वही शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। सुबह का देखो कितना अच्छे से, कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान। और यहाँ पे बेबी को तैयार करने के लिए सब कुछ रेडी कर रही हूँ मैं। इसके अंदर थे बेबीज़ के लिए क्लोथ्स जो शाम के टाइम पे वो लोग पहनने वाले थे। दोनों बेबीज़ के लिए मैं डिफरेंट कलर्स ली थी, एक के लिए पिंक और दूसरे के लिए ब्लू कलर। देखिए कितना अच्छा पिंक कलर, बहुत अच्छा लग रहा था। और पिंक एंड ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ शूज और क्लिप भी आया था। सुबह का वक्त था तो हजाम को घर पे ही बुला लिए थे बेबीज़ के पूरे बाल निकालने के लिए। हकीक़े में पहले 7 बाल निकालते हैं बेबीज़ के, तो वही निकाल रहा था मेरा भाई। अब पूरे बाल निकालने की शुरुआत हो रही है। बेबीज़ को जब बाल निकालते हैं ना तो बहुत केयरफुली बाल निकालना चाहिए उनका, क्यों मतलब तो बीच में जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो बहुत ध्यान देकर बाल निकालना है। तो अगर घर पे आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मत करिए, बाहर से ही बुलाइए एक्सपर्ट को। जब तक इनके बाल निकल रहे थे मैं नीचे गई थी, यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन हो रहे हैं शाम की दावत के लिए। बावर्ची को बुलाए थे हम लोग घर पकाने के लिए, तो वही प्रिपरेशन कर रहे थे बावर्ची लोग। सब तैयारी अच्छे से हो रही थी, फिर हम लोग ने शाम के टाइम पे बेबीज़ को रेडी कर रहे थे। ये थे फर्स्ट बेबी। इंशाल्लाह मैं आपको
इन लोग के नेम्स भी जल्दी बताऊंगी, इसी व्लॉग में बताऊंगी। हम लोग इसी टाइम पे 7 डेज़ में अकीका करे थे और इनके नेम्स भी 7 डेज़ पे ही रखे थे। माशाल्लाह फर्स्ट बेबी रेडी हो गए, अब ये सेकेंड बेबी को भी रेडी कर रही थी मैं। दोनों बेबीज रेडी हो गए हैं, तो ये कुछ फ़ोटोज़ लिए थे हम लोग जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और नेम भी शेयर कर रही हूँ मैं इन दोनों के। कुछ रेडी हो गया था पकवान, यहाँ पे मेहमानों को सर्व कर रहे थे हम लोग। खाने में बनाए थे हम लोग बिरयानी बनाए थे और डबल का मीठा बनाए थे, मिर्चियों का सालन बनाए थे। सबको बहुत पसंद आया था और अच्छा भी बना था, बहुत टेस्टी भी था अल्हम्दुलिल्लाह। दावत भी अच्छे से हो गई थी। खाना हो जाने के बाद हम लोग सबको सर्व कर रहे थे चाय, ये तो मैंडेटरी है चाय सबको खाने के बाद पीने की तलब होती है। इधर सब लोग बच्चे टीवी देख रहे थे अच्छे से, ये वाले जो कैट्स के फनी फनी वीडियोस होते ना वो देख के खुश हो रहे थे बहुत। अब यहाँ पे जो भी लोग आते हैं ना वो लोग बेबीज़ के लिए क्लोथ्स लेकर आते हैं, तो वही रस्म हो रही इधर। दावत में जो भी गिफ्ट्स आए थे वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग ज़्यादा लोग को नहीं बुलाए थे, सिर्फ थोड़े से जो जो भी क्लोज गेस्ट थे ना उन लोग को इनवाइट करे थे। और ये जो थे गोल्डन ब्लैक मोती बोलते हैं इसको, जो 40 डेज़ कंप्लीट होने के बाद बेबीज़ के हाथ में पहनाते हैं। अगर मेरे वीडियोस आप सबको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अच्छे वीडियोस आने वाले हैं तो स्टे ट्यून। मेरे वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और ट्विंस बेबीज है ना उन लोगों को संभालने के लिए भी बहुत टाइम हो रहा है, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इसीलिए तो वीडियोज़ मेरे बहुत लेट आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ जल्द से जल्द और भी वीडियोस है वो सब कुछ शेयर करूँ। तो जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो वो सब लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करिए, और बेबीज़ को अपने दुआओं में याद करिए ज़रूर। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।